सो अभी तक हम अपना इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, क्या क्या पढ़ना है ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, एंड उसके बाद मैं आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सो हम लेक्चर 1 से शुरू कर देते हैं। परिचय, सामान्य परिचय यानी इंडिया के बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं। सामान्य जानकारी में क्या है कि भारत की क्या स्थिति है पूरे विश्व में, भारत का क्षेत्रफल क्या है, ऊपर से नीचे तक की लंबाई कितनी है, उच्चतम बिंदु उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पूर्व और पश्चिम के बिंदु कौन कौन से हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कितनी सीमाएं लगी हुई हैं, कितनी स्थलीय सीमाएं, ये सब सामान्य जानकारी और ऑब्जेक्टिव टाइप में जितने भी सवाल आते हैं उन्हें अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में शामिल करते हुए ये लेक्चर 1 में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं सामान्य जानकारी। देखो, विश्व के नक्शे में भारत की अब स्थिति देखते हैं सबसे पहले कि भारत कहाँ पे स्थित है विश्व में। देखो, ये विश्व का नक्शा है, आप देख रहे होंगे अपना। जब मैंने ज्योग्राफी कराया था आपको, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो उसमें मैंने बताया था कि विश्व को, ग्लोब को अगर बीच में से काट देते हैं तो वो होती है भूमध्य रेखा, भू के मध्य में से काट देते होते हैं तो भूमध्य रेखा होती है। अब वो गोला है, गोला के दो पार्ट बन जाते हैं, एक ऊपर वाला आधा गोला, एक नीचे वाला आधा गोला। आधा गोला को बोलेंगे गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तर दिशा में तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिण दिशा में तो दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पे ये जो लाइन आप देख रहे हैं, एक सेकंड में दोबारा से इसे क्लियर करता हूँ, ये लाइन है इस तरीके से। ओके, ये लाइन है अपनी भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है ये? भूमध्य रेखा है। इसे इंग्लिश में इक्वेटर लाइन बोलते हैं। ओके, इक्वेटर लाइन। ओके, आप खुद देखिए, आप भारत कहाँ पे, भूमध्य रेखा के उत्तर में है ना, भारत भूमध्य रेखा के क्या है, उत्तर दिशा में स्थित है। तो ऊपर वाला कौन सा गोलार्ध हुआ? उत्तरी गोलार्ध। अगली बात समझ में, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ओके, अक्षांश अभी देखने वाले हैं, देशांतर अभी हम देखने वाले हैं। अक्षांश देशांतर में वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले में बता चुका हूँ। ओके, अब क्या होता है कि एक मैंने आपको बताया था उसमें ही एक ग्रीनविच रेखा बताई थी या 0 डिग्री देशांतर रेखा बताई थी, ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा। ओके, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है, समय निर्धारण के लिए उपयोगी होती है। तो अब इधर की साइड में कौन सी दिशा है? पूरब, और इस साइड में अगर देखेंगे तो पश्चिम। तो ग्रीनविच रेखा के पूरब दिशा में स्थित है, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में और ग्रीनविच के पूर्वी गोलार्ध में यानी पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो भारत की स्थिति आपको दिख गई होगी। अब इसके हम निम्नतम बिंदु देखेंगे, एक तो मुख्य भूमि का देखेंगे और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी निम्नतम बिंदु वो देखेंगे, उच्चतम बिंदु देखेंगे और इधर की साइड में पश्चिम और पूरब वाले बिंदु देखेंगे। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश हिंदी में, अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में, आगे बात समझ में, और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, ये भारत की स्थिति है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में देशांतरीय दृष्टि से। ओके, अब भूमध्य रेखा से दूरी की बात करें तो 876 किलोमीटर है। अगर आप इसे इंडिया का यहाँ से देखें, ये भूमध्य रेखा है, और इस भूमध्य रेखा से भारत की दूरी अगर देखें तो ये निकल के आती है 876 किलोमीटर। ये कैसे निकल के आती है? नॉर्मली अक्षांश में 1 डिग्री पे, मैंने शायद आपको बताया था, 111 किलोमीटर का अंतर आता है, और अपना इंडिया का जो मुख्य भाग है 8 डिग्री 4 मिनट पे है, 8 डिग्री 4 मिनट पे कन्याकुमारी वाला जो बिंदु है। ओके, तो वहां से अगर निकाल के देखेंगे तो आपका इतना निकल के आएगा 876 किलोमीटर। ओके, अक्षांशीय दृष्टि से अगर विस्तार देखें तो 6 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। एक्चुअली में ये 6 डिग्री 4 मिनट मैंने अपना जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट के हिसाब से लिखा है, बट मुख्य भूमि का जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट है, यानी कश्मीर कन्याकुमारी। अभी थोड़ी देर में आप समझाते हैं। ओके, कश्मीर और कन्याकुमारी एक साथ में बोल देता हूँ मैं कंटिन्यूसली, बट नीचे अगर दक्षिणतम बोल रहा हूँ तो कन्याकुमारी। ओके, तो अगर आपको याद करना है अक्षांशीय विस्तार, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तो 8 डिग्री 4 से 37 6 ये उत्तरी अक्षांश की बात हुई। एंड अगर आपको देशांतरीय विस्तार याद करना है तो 68 7 से 97 25 ये आपको याद रखना है कैसे भी करके, पूर्वी देशांतर में। ओके, ये याद रखना है कैसे भी करके, अभी मैप में आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये मैप आप देख लीजिए, इसलिए अपना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वाला मैप है। तो देखिए, यहाँ पे इस जगह पे एक बिंदु है, इस जगह पे यहाँ पे कन्याकुमारी है। कौन सी जगह है ये? कन्याकुमारी। ओके, मैं पेन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके, कन्याकुमारी की जो स्थिति है उत्तरी अक्षांश में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ओके, अब ऊपरतम उच्चतम बिंदु की तरफ चलते हैं। उच्चतम बिंदु यहाँ पे एक बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल वाले पॉइंट की अक्षांशीय स्थिति अगर बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश, उत्तरी अक्षांश।
अब ये देखो, ये तो है मुख्य भूमि। मुख्य भूमि का मतलब भारत का जो मुख्य भूमि है, लेकिन इसका कुछ द्वीपीय क्षेत्र भी है। जैसे यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हिस्से हैं कुछ। मैप में आपको दिखा दूंगा, थोड़ी देर बाद गूगल मैप भी दिखाऊंगा, तब आप क्लियरली समझ जाएंगे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो निम्नतम बिंदु है, इस जगह पे जो निम्नतम बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और इस इंदिरा पॉइंट के जो अक्षांशीय स्थिति है वो 6 डिग्री 4 मिनट है। ओके, तो आप जो भी याद करना चाहें वो याद कर सकते हैं। मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट है और अपना इंदिरा पॉइंट से जो दक्षिणतम बिंदु है वहां तक 6 डिग्री 4 मिनट है। ओके, क्षेत्रफल आपको याद करना पड़ेगा। क्षेत्रफल है 32,87,267 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। आकृति चतुष्कोण है, आप खुद अनुमान लगा लीजिए इस तरीके से चतुष्कोण जैसी आकृति बन रही है। ओके, ये अपना ट्राई कलर है, नेशनल फ्लैग। उसके बाद में ये सत्यमेव जयते। ये स्थिति मैं बता चुका हूँ, 8 डिग्री 4 से उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। अगर पूर्वी देशांतर की बात करें तो यहाँ गुजरात में 68 डिग्री 7 से और इधर की साइड में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ओके, क्षेत्रफल वही अब याद कराया आपको, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, 7th नंबर पे आता है भारत। ठीक है, और विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% क्षेत्रफल कवर करता है। यानी विश्व को अगर पूरे स्थल के भाग की बात करें, जल को छोड़ के स्थल भाग की बात करें, तो उस स्थल भाग में से 2.42% जो है वो भारत के पास में। अच्छा, क्षेत्रफल में 7 देश कौन कौन से हैं, पहले बता चुका हूँ आपको, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। शुरू करते हैं रूस से। रूस के बाद में आता है अपना कनाडा, कनाडा के बाद में आता है चीन, चीन के बाद में आता है यूएसए, यूएसए के बाद में आता है ब्राजील, और उसके बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया, और 7वां नंबर है अपना इंडिया। ओके, अगर हम पश्चिम और पूर्व के बीच की बात करें, पूरे जो पश्चिमतम बिंदु है और पूर्वतम बिंदु है उनके बीच की बात करें, तो उसकी लंबाई है 2,937 किलोमीटर। ये आपको याद करनी है क्योंकि फैक्ट्स पूछे जाते हैं। ओके, रटना ही पड़ेगा, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। 2,933, 29 में 4 जोड़ दीजिए 33। ओके, इधर की साइड में 3,214 किलोमीटर ऊपर से नीचे की साइड में, कैसे किस तरीके से, एक बार आप यहाँ मैप में देखिए। ठीक है, देखो ये मैप है, इस मैप में ये ऊपर वाला बिंदु है। ओके, नीचे की साइड में हम जाएंगे अपना कश्मीर, कन्याकुमारी तक। ओके, यहाँ तक तो ये जो है लंबाई वो है 3,214 किलोमीटर, ये आपको याद रखनी पड़ेगी ऊपर से नीचे। ऐसे ही इंडिया का जो पश्चिमतम बिंदु है गुजरात में, वहां से लेके और इधर की साइड में अरुणाचल प्रदेश में जो किवतु है, अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ सब कौन कौन से बिंदु हैं, इनकी जो है 2,933 किलोमीटर, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, 2,933 किलोमीटर और 3,214 किलोमीटर, ये आप याद कर लेना। ओके, देखिए आगे चलते हैं। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत का जो स्थलीय सीमा है उसकी जो लंबाई है, स्थलीय सीमा मतलब अन्य पड़ोसी देशों के साथ में जो बॉर्डर लग रहा है, जो सीमा लग रही है उसकी लंबाई। ठीक है, अब कौन कौन से देशों के साथ लग रही है वो देखने वाले हैं। उसके बाद हम ये भी देख लेते हैं, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है 6,100 किलोमीटर और कुल तटीय सीमा की लंबाई है 7,716 किलोमीटर। ये सब समझते हैं। देखो स्थलीय भूमि की बात करें, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, इस जगह से, गुजरात वाले क्षेत्र से। यहाँ से ये स्थलीय सीमा पाकिस्तान के साथ लग रही है, अपना राजस्थान, गुजरात के बाद में राजस्थान आया, पंजाब आया और जम्मू कश्मीर। और यहाँ जम्मू कश्मीर के इस जगह तक, इस पॉइंट तक जो आती है वो अपना पाकिस्तान आता है, इधर वाले क्षेत्र में। उसके बाद में थोड़ी सी देर के लिए अफगानिस्तान आता है, थोड़ी सी देर के लिए 106 किलोमीटर के आसपास में। उसके बाद में यहाँ से अपना जम्मू कश्मीर जो कनेक्ट होता है वो चीन से कनेक्ट होता है, चीन से कनेक्ट होता है जम्मू कश्मीर के बाद में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में आ गया उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड आने के बाद में फिर थोड़ा सा बीच में आ जाता है अपना नेपाल, नेपाल के साथ अलग सीमा है लेकिन चीन के साथ ही सीमा देखते हैं। सिक्किम वाले क्षेत्र की सीमा चीन से लग रही है, सिक्किम वाले क्षेत्र की सीमा लग रही है। उसके बाद में अपना अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी चीन से लग रही है इस तरीके से। ओके, अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो लग रही है वो चीन से लग रही है इस तरीके से, यहाँ तक आई बात समझ में। तो ये चीन के साथ लग रही है। ओके, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में उत्तराखंड, उसके बाद में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगर इधर की साइड में अपना नेपाल है, नेपाल की बात करें तो उत्तराखंड की सीमा लगेगी, उसके बाद में अपना यूपी, यूपी के बाद में बिहार, बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल, उसके बाद में सिक्किम, इसकी सीमा लगने वाली है।
अगर भूटान की बात करें तो सिक्किम की, सिक्किम के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में असम, और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगने वाली है। ऐसे ही म्यांमार से सीमा लगती है। तो इस जगह से यहाँ तक, इस जगह तक भारत की स्थलीय जो सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। तो आप कुल याद करनी ही पड़ेगी, भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। ओके, अगर बात करें मुख्य भूमि की तटीय सीमा, देखो ये भारत आप मैप जो देखते हैं वो यही भारत है, लेकिन भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बहुत सारे 200 से ऊपर द्वीप हैं, उसके अलावा लक्षद्वीप समूह है। ओके, तो ये द्वीप समूह भी भारत का ही हिस्सा है, बट मुख्य भूमि, ये जो मैप आप देखते हैं यहाँ तक का हिस्सा वाला, ये मैप जो देखते हैं ये मुख्य भूमि में मानी जाती है। ओके, अगर मुख्य भूमि की तटीय सीमा यानी समुद्र से लगने वाली सीमा की बात की जाए तो वो उसकी लंबाई आती है 6,100 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? गुजरात वाले क्षेत्र, यहाँ से नीचे की साइड में चलते जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से चलते जाएंगे और यहाँ पश्चिम बंगाल तक। तो इसकी लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। ये अपनी तटीय सीमा हो गई मुख्य भूमि की। अगर हम उसमें ये द्वीपों को भी शामिल कर लेते हैं तो कुल तटीय सीमा की लंबाई हो जाती है 7,716 किलोमीटर। तो ये आपको कैसे भी करके याद करनी पड़ेगी। तीन पॉइंट याद रखने हैं अभी आपको। एक तो याद रखना है 15,200 किलोमीटर, ठीक है, एक याद रखना है 6,100 किलोमीटर, और एक याद रखना है 7,716 किलोमीटर। 15,200 क्या है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। 6,100 किलोमीटर क्या है? भारत की तटीय सीमा की, मुख्य भूमि की तटीय सीमा, और भारत की कुल तटीय सीमा 7,716 किलोमीटर। ओके, कुल तटीय सीमा ये हो गई। अब उच्चतम निम्नतम बिंदुओं की बात करते हैं, उनके नाम क्या है, ठीक है। देखिए उत्तर से शुरू करते हैं। उत्तर में जम्मू कश्मीर में यहाँ पे इस जगह पे एक बिंदु का नाम रखा गया है इंदिरा कॉल पॉइंट। ओके, इंदिरा कॉल, ये जम्मू कश्मीर में है, तो ये अपना उत्तरतम बिंदु है। उत्तर दिशा में सबसे ऊपर वाला जो बिंदु है वो इंदिरा कॉल है, वो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इंदिरा कॉल, ठीक है। ओके, अगर हम भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें, दक्षिणतम बिंदु जो आता है वो इस जगह पे आता है नीचे की साइड में, यहाँ पे इस जगह पे, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। इसका नाम रखा गया है इंदिरा पॉइंट। पुराने समय पे इसे बोला जाता था पिगमेलियन पॉइंट। ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और इसे दक्षिणतम बिंदु बोला जाता है। इसकी स्थिति 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगर मुख्य बिंदु के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो कश्मीर, वो कन्याकुमारी वाला जो क्षेत्र है उसकी जो स्थिति मैंने बताई थी 8 डिग्री 4 मिनट, जो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। उत्तरतम बिंदु देखा, दक्षिणतम बिंदु देखा। अब पश्चिमतम बिंदु की तरफ आते हैं। ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये अपना पश्चिमतम बिंदु है, जो कहाँ पे है? गुजरात राज्य के अंदर आता है। इसका नाम है गौर माता, ठीक है। आप नाम याद रख लेना कुछ ऐसे ही है, गौर माता के आसपास कुछ ऐसे करके, तो गौर माता नाम से पूछा गया। ओके, इधर की साइड में जो अपना पूर्वी बिंदु है उसका नाम है किबितू, जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये आपको चारों पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। ऊपर वाला अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैप में इधर की साइड में दिशा बना देता हूँ इस तरीके से, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पॉइंट, ठीक है, इधर की साइड में गौर माता अपना गुजरात वाला, और इधर की साइड में किवितु अरुणाचल प्रदेश वाला। ओके, तो ये अपने उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु हो गए। अब हम भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मानक समय रेखा ये देखते हैं। अपना कैंसर लाइन, इक्वेटर लाइन से इंडिया का क्या रिलेशन है, और भारत की मीन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, उसे हम देखते हैं क्लियरली। ओके, मैप यूज किया है बार बार में, मैं मैप के प्रैक्टिस के लिए आपके लिए मैप ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। पीडीएफ अगर डाउनलोड कर लेंगे तो बहुत सारे ब्लैंक मैप भी आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, मैंने तो उसमें समझा दिया, उसके बाद में आप जो पीडीएफ है उसका प्रिंट आउट अगर निकलवा लेंगे तो उसमें ब्लैंक मैप है, उसी तरीके का आप खुद से भरने की कोशिश करना। ओके, पीडीएफ डाउनलोड भी नहीं किया है तो आप अपने हैंड रिटर्न से करने की ट्राई करना। ओके, देखिए कर्क रेखा के साथ संबंध देखते हैं। पहले, उससे पहले हम भूमध्य रेखा के साथ शुरुआत करते हैं। भूमध्य रेखा के साथ में देखिए, ये अपना इंडिया है, ये आप इंडिया देख रहे हैं। भूमध्य रेखा नीचे की साइड में ये भूमध्य रेखा गुजर रही है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ओके, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इससे ऊपर की साइड में उत्तरी अक्षांश, नीचे की साइड में दक्षिण स्थान। भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत का जो निम्नतम पॉइंट है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इस जगह पे, उसका नाम रखा था हमने इंदिरा पॉइंट। ओके, और जिसका अक्षांश स्थिति 6 डिग्री 4 मिनट आपको बताई थी। मुख्य भूमि का जो निम्नतम बिंदु मैंने बताया था कन्याकुमारी, उसकी अक्षांश स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिफरेंस है 8 डिग्री 4 मिनट का डिफरेंस है, और उसे हम किलोमीटर में बदलते हैं तो 876 किलोमीटर निकल के आता है। यानी भूमध्य रेखा से भारत के मुख्य भूमि के जो बिंदु है उसकी दूरी 876 किलोमीटर निकल के आती है। ओके, अब हम बात करते हैं
कैंसर लाइन की, कैंसर लाइन की बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री को कैंसर लाइन बोला जाता है, यानी 23 डिग्री 30 मिनट इतना होता है करीब करीब। थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे भी मान लेते हैं, बट इतना आपको याद रखना है, इसे आगे पीछे आपको याद नहीं रखना है, इतना याद रख लें। ओके, तो यहाँ से बीचों बीच में से इस तरीके से भारत को दो भागों में बांट देती है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है भारत को नॉर्मली दो भागों में बांट देती है। सामान्यतः भारत को कर्क रेखा के ऊपर वाले हिस्से को उत्तर भारत बोल देते हैं, उससे नीचे की साइड वाले का थोड़े हिस्से को दक्षिण भारत बोल देते हैं। बोलने की बात है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। ओके, भारत का पूरा हिस्सा पूरा भारत बोलते हैं। ओके, दिशा दिखाने के लिए ऐसा बोल सकते हैं। अब कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं, पहला राज्य कौन सा है, गुजरात। यहाँ पे कुछ हिस्सा कौन से राज्य से गुजर रहा है, राजस्थान से, उसके बाद में एमपी, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड, उसके बाद में अपना पश्चिम बंगाल, उसके बाद में त्रिपुरा और उसके बाद में मिजोरम। कुल मिला के 8 राज्यों से जो है वो कर्क रेखा गुजर रही है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, कैसे भी करके याद कीजिए। बाकी आप मैप अगर क्लियरली समझ गए, ब्लैंक मैप मैप जो है वो नीचे दिया है, तो वहां से आप क्लियर करेंगे तो समझेंगे। पहला कौन सा हुआ, गुजरात, दूसरा कौन सा हुआ, राजस्थान, तीसरा कौन सा हुआ, एमपी, चौथा कौन सा हुआ, छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। तो ये अपने कैंसर लाइन जो गुजरती है वो 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। इन 8 राज्यों को याद करने की ट्रिक भी है, अगर आप याद करने की कोशिश करें, मित्र पर गमछा झार, इस तरीके से कोई ट्रिक है। एक एक करके इन पॉइंट को देख लेते हैं। पहला मित्र का मी लेते हैं तो मिजोरम, ठीक है, त्रि का त्रिपुरा, पा का पश्चिम बंगाल, रा का राजस्थान, गा का गुजरात, मा मध्य प्रदेश, छा छत्तीसगढ़, झार झारखंड, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं, 8 राज्य हैं। बाकी आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रिक की, जब आपका मैप क्लियर हो जाएगा ना, इस तरीके से अगर मैप में प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको रटने की और ट्रिक यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बात करें हम मानक समय रेखा की, मीन स्टैंडर्ड टाइम की भारत की, तो भारत ने अपना जो मीन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री रेखा को माना है, ठीक है। भारत में 82.5 डिग्री को अपना मीन स्टैंडर्ड टाइम माना हुआ है। भारत में सिर्फ एक ही समय रेखा है, बाकी बहुत जो चौड़ाई वाले देश होते हैं, रूस वगैरह, अमेरिका वगैरह, उनमें एक से ज़्यादा समय रेखा होती है। ओके, तो भारत की जो अपनी मीन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री है, ये आपको याद रखनी है, 82.5 डिग्री वाली। ओके, 82.5 डिग्री कौन सा देशांतर है इधर की साइड में, पूर्वी दिशा है तो पूर्वी देशांतर। ओके, पूर्वी देशांतर, ये इस तरीके से। अब ये रेखा जो गुजरती है वो अपने प्रयागराज इलाहाबाद के पास में से गुजरती है, वहाँ मिर्जापुर और नैनी नाम की जगह है, वहाँ से गुजरती है, तो आप याद रख सकें, तो इलाहाबाद से गुजरती है ये अपनी जो पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री जो रेखा है ये अपना। इसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, इस जगह पे ये 82.5 को मैंने यहाँ गलत तरीके से लिख दिया है, 82.5 को इस तरीके से नहीं लिखेंगे, 82.30 डिग्री लिखेंगे। ओके, और ये समय का जो है प्लस 5:30 है, यानी जब सुबह 5:30 अपने इंडिया में बज रहे होंगे, तब इंग्लैंड में रात के 12 बज रहे होंगे, यानी इंग्लैंड से हम 5:30 घंटे आगे हैं। इंग्लैंड से 5:30 घंटे पहले हमारे यहाँ पे सूरज का उदय हो जाता है। ओके, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से ये गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है ये आपको याद रखने की कोशिश करनी है। देखो ये याद करनी है, तो पहला अपना यूपी से एंटर हो रही है, उससे पहले तो नेपाल है, नेपाल से तो अपना कोई रिलेशन है नहीं क्योंकि वो अपने आप में एक स्वायत्त देश है, ठीक है। पहला अपना यूपी से गुजर रही है, उसके बाद में आप क्लियरली अगर इसे समझने की कोशिश करेंगे तो ये रेखा आपको थोड़ा सा ऐसा एमपी से गुजरता हुआ दिख रहा होगा, ये एमपी का ही है, तो ये एमपी से गुजरती हुई आपको दिख रही होगी। एमपी के बाद में अपना छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद में ये उड़ीसा से गुजर रही है, और उड़ीसा के बाद में अपना आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश अभी 2 राज्य बन गए हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो कुल कितने राज्यों से गुजरी, 5 राज्यों से। दोबारा से पूरे 5 राज्यों को देख लीजिए, कौन कौन से राज्य हुए, एक एक करके देखिए। पहला हुआ यूपी, दूसरा हुआ एमपी, तीसरा हुआ छत्तीसगढ़, चौथा हुआ उड़ीसा, पांचवा हुआ आंध्र प्रदेश। तो आपको याद कर लेने हैं, ये यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से अपनी मीन स्टैंडर्ड टाइम जो रेखा वो गुजरती है। यहाँ पे ये मैप है, इसमें आप खुद बना के कोशिश करना, ये ब्लैंक मैप मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, पीडीएफ में आप मिलेंगे तो आप यूज करेंगे तो आपको उसमें देख सकते हैं। देखो इस तरीके से अपनी मानक समय रेखा है वो गुजरती है, 82.5 डिग्री वाली। ओके, ये 82.5 डिग्री वाली मानक समय रेखा है, पहला यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा अपना छत्तीसगढ़, चौथा अपना उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। ओके, आप खुद से भी ट्राई करना। अब बात करते हैं हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, स्थलीय सीमा से लगे हुए पड़ोसी देश की बात करते हैं। ओके, तो वो पहले नाम बता देता हूँ,
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, ये अपने पड़ोसी देश हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। अब एक एक करके देखते हैं कि कितने राज्यों की सीमा पड़ोसी देश के साथ लगी है और कितनी लंबाई तक लगी हुई। शुरुआत करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट देश जो अपना पड़ोसी है वो है अफगानिस्तान। देखो ये हम जम्मू कश्मीर वाली साइड में आ गए। जम्मू कश्मीर को वर्तमान में भारत सरकार ने राज्य से हटा करके दो भागों में बांट दिया है। 370 धारा खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया है और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया है। आश्वासन दिया है कि अगर जम्मू कश्मीर में आगे आने वाले समय में सामान्य हालात हो जाते हैं तो जम्मू कश्मीर को पुनः पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। बट राइट नाउ प्रेजेंट में जम्मू कश्मीर क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, एक राज्य नहीं है। तो भारत में इस समय 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बना दिया जाएगा तो 29 राज्य हो जाएंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। देखिए आप शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। यहाँ पे आपको ऊपर ही ऊपर आपको दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा, जम्मू कश्मीर के उत्तरतम बिंदु में अगर आप इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है वो एक देश के साथ लगता है, वो देश है अपना अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। तो भारत का कुछ हिस्सा जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगता है। वास्तविकता थोड़ी सी अलग है। वास्तविकता एक्चुअली में क्या है कि इस तरीके से ये वाला जो हिस्सा है वो पीओके कहलाता है, पाक अधिकृत कश्मीर या गुलाम कश्मीर जिसे हम बोलेंगे। ओके, तो पाकिस्तान के हिस्से में है, ये कब्जे वाले में है। बट हो आने वाले समय पे ये सब कुछ जो है वो इंडिया का हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि कुछ गलतियां रह चुकी थी इंडिया की, उन गलतियों को सुधारते हुए अभी कोशिश की जा रही है। पीओके जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, आगे आने वाले समय पे भी भारत का हिस्सा होगा। यही पूर्ण रूपेण जम्मू कश्मीर ये वाला आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये पूरे भारत का हिस्सा है, पूर्ण रूपेण अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, अमित शाह जी के उसमें शब्दों में बोले तो इसके लिए हम जान दे देंगे पीओके के लिए। ओके, तो हाँ आगे बात करते हैं। अफगानिस्तान के साथ में जो लंबाई लगती है वो 106 किलोमीटर की सीमा लगती है और एक ही राज्य लगता है जम्मू कश्मीर। ओके, तो आपको याद रखनी है अफगानिस्तान के साथ में कितनी सीमा लग रही है, 106 किलोमीटर, और राज्य कौन सा लग रहा है अपना, जम्मू कश्मीर। अब बात करते हैं दूसरे देश के बारे में जो अपना पड़ोसी देश है और बड़ा प्यारा देश है, बहुत प्यारा देश है। ठीक है, जहाँ सिर्फ सेना की चलती है, वहाँ लोकतंत्र दिखावे के लिए है, और देश बनाए वो धर्म के नाम पे बनाए या रिलीजन के नाम पे बनाए, जो कभी सफल नहीं होता, कभी भी सफल नहीं होता रिलीजन के नाम पे बना हुआ देश। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप जब इंडियन की ज्योग्राफी पढ़ लेंगे ना तो आपको इंडिया से और गहरा प्यार होता जाएगा। जो कंडीशन हमारे लिए बनाई गई है ना भगवान के द्वारा, प्रकृति ने जितनी प्राकृतिक सुंदरता, जितनी विविधताएं भारत के लिए दी है ना, पूरे विश्व में किसी भी देश के लिए नहीं दी है। हम स्पेशल है इस मामले में, भारत के लिए स्पेशल हिमालय बना के दिया है जो भारत का मुकुट है, भारत के पैरों को धोने के लिए स्पेशल पूरा महासागर बना के दिया है, हिंद महासागर पूरा बना के दिया हुआ है। ओके, उसके अलावा भारत के बीच में से हृदय से निकलने वाली बहुत सारी नदियां हैं जो भारत को सींचती हैं। प्रकृति ने भारत के लिए स्पेशल मानसून बना के दिए, पूरे विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके लिए स्पेशल मानसून बना के दिया हो, 3 3 4 4 महीने बारिश होती हो, पूरे विश्व में कोई भी देश नहीं है। ये भारत है और ये हमारा देश है, इतना प्यारा देश है, प्रकृति ने इतना प्यारा बनाया है। बट हमने कुछ कमियां कर दी कि हम पीछे की साइड में कुछ पिछले 200 300 साल में बहुत डाउन चले गए। बाकी सन 1700 तक भारत पूरे विश्व में नंबर वन रहा था, जीडीपी के मामले में, संस्कृति के मामले में, इतिहास के मामले में। ठीक है, बट कुछ कमियां करी, बट अभी धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर रहे हैं और आगे आने वाले 20 30 सालों में फिर से हम वर्ल्ड पावर बनने वाले हैं। ओके, अब इंडिया का पड़ोसी देश जो बहुत प्यारा पड़ोसी देश है, ठीक है, जिसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही है नहीं, आप सब जानते हैं, पाकिस्तान। ओके, पाक जिसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ से शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से, इस साइड में ऊपर जम्मू कश्मीर के साथ में सीमा लगती है पाकिस्तान की। ओके, उसके बाद में यहाँ से पंजाब शुरू हो जाता है, पंजाब के साथ में सीमा लगती है। पंजाब के बाद में यहाँ से अपना राजस्थान शुरू हो जाता है, राजस्थान के साथ में सीमा लगती है, यहाँ तक बॉर्डर लगता है। उसके बाद में अपना गुजरात शुरू हो जाता है, तो गुजरात के साथ में भी सीमा लगती है। कितने राज्य हुए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो 4 राज्यों के साथ में, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, इनके साथ में जो है वो पाकिस्तान की सीमा लगती है। और इसकी लंबाई कितनी है, 2333 किलोमीटर, ये आपको याद करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के साथ में 2333 किलोमीटर तक की लंबाई जो है वो सीमा लगी हुई है। दो पड़ोसी देश हो गए, अब तीसरे पड़ोसी देश की तरफ चलते हैं। स्थलीय सीमा की हम बात कर रहे हैं तो तीसरे पड़ोसी देश की तरफ चलते हैं। तीसरा पड़ोसी देश है अपना चीन, ठीक है, जिसपे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इधर की साइड में यहाँ से शुरू करते हैं, वैसे इधर तिब्बत है, तिब्बत जो है वो चीन का ऑटोनोमस स्वायत्त प्रदेश है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र की सीमा लग रही है। अगर बात करें तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी माने तो लद्दाख की भी सीमा लग रही है, बट अभी हम जम्मू कश्मीर को एक राज्य मान के ही बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की सीमा यहाँ पे लग रही है, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाता है, उसके बाद में उत्तराखंड शुरू हो जाता है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तीन हो गए। उसके बाद में यहाँ पे नेपाल देश आ जाता है, जो अपने आप में एक अलग से संप्रभु देश है। यहाँ पे इस जगह पे आप देख रहे हैं, तो ये अपना सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य की सीमा भी अपने चीन के साथ लगी हुई है। ओके, उसके बाद में भूटान आ जाता है, भूटान के बाद में यहाँ से अरुणाचल प्रदेश शुरू होता है, और अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो सिक्किम देश के साथ लगी हुई है। तो कुल कितने राज्य हुए? पांच राज्य हुए। कौन से राज्य हुए? जम्मू कश्मीर, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में अपना उत्तराखंड, सिक्किम, और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन की सीमा की जो लंबाई है 3488 किलोमीटर है। अब चीन के बाद में हम नेक्स्ट देश चलते हैं, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के साथ में यहाँ से शुरू करते हैं, इस जगह से। ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है कुछ, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड आता है, नागालैंड के बाद में मणिपुर आ जाता है। ओके, और मणिपुर के बाद में मिजोरम आ जाता है। तो कुल मिला के चार राज्य हो गए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, चार राज्यों के साथ में सीमा लगी हुई है म्यांमार देश की। कितनी लंबाई है? 1643 किलोमीटर। ओके, म्यांमार कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, बांग्लादेश के साथ देखते हैं। यहाँ से बांग्लादेश के साथ सीमा शुरू हो जाती है, इस जगह से। ये देश है, ये राज्य है अपना मिजोरम, मिजोरम के बाद में ये त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में कुछ सीमा आप देख रहे हो तो असम के साथ लग रही है, असम के साथ में, असम, असम के बाद में अपना मेघालय, और मेघालय के बाद में आ जाता है थोड़ा सा ऐसा असम का ही दोबारा से, फिर पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के साथ में कंटिन्यूस सीमा लगी रहती है, नीचे की साइड में चली जाती है। तो कुल कितने राज्य हुए, आप खुद से गिनिए। शुरुआत इधर से करते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो पांच राज्यों के साथ में बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। और लंबाई जो है वो 4096 किलोमीटर। अभी तक आपने सब जितने भी देश देखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा ऐसी की है। तो सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में लगी हुई है? अपनी बांग्लादेश के साथ में। और सबसे कम कौन सी है? 106 किलोमीटर किसके साथ में? अफगानिस्तान के साथ में लगी हुई है। ओके, अब दो देश और रह गए पड़ोसी देश, जो अपने नेपाल और भूटान है। नेपाल और भूटान को भी देख लेते हैं, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं नेपाल है। ओके, शुरुआत यहाँ से करते हैं, पहला उत्तराखंड के साथ सीमा, उसके बाद में यूपी के साथ सीमा इस तरीके से, उसके बाद में बिहार के साथ सीमा, बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल आपको दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा, पश्चिम बंगाल के बाद में सिक्किम। तो कुल मिला के कितने राज्य हुए? पांच राज्य। पहला उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और अपना अगला जो राज्य है सिक्किम। पाँच राज्यों के साथ नेपाल की सीमा लगी है, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। कुल लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर। ऐसे ही हम देख लेते हैं अपना भूटान देश को भी, ठीक है। भूटान देश के साथ में भी देख लेते हैं, भूटान की सीमा यहाँ से शुरू हो रही है, इस जगह से, सिक्किम के साथ में, उसके बाद में पश्चिम बंगाल, उसके बाद में अपना असम, और असम के बाद में अरुणाचल प्रदेश। ये चार राज्यों के साथ इसकी सीमा लगी हुई भूटान की, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सीमा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक मैप दिया हुआ है, जिसे मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। सबसे कम सीमा किसके साथ लगी हुई है? अफगानिस्तान के साथ में। ओके, उसके बाद में अगर सबसे अधिक सीमा की बात की जाए तो बांग्लादेश के साथ में, ये जो सीमा लगी हुई है, पांच राज्य मैंने आपको बताए थे, आपको याद हो गए होंगे। ओके, वेस्ट बंगाल, उसके बाद में अपना असम, असम के बाद में मेघालय, उसके बाद में त्रिपुरा और मिजोरम, पांच राज्य। फिर इधर की साइड में म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद में मणिपुर, और मणिपुर के बाद में मिजोरम। भूटान की अगर बात करें तो भूटान के साथ बताए थे मैंने चार राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, चार राज्य। ऐसे ही मैंने अपने नेपाल के साथ पांच राज्य बताए थे, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ओके, एंड चीन के साथ अगर बात करें तो चीन ऊपर से, पहला अपना जम्मू कश्मीर, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और पाकिस्तान की जो लंबाई है वो आपको बता चुका हूँ, और राज्य भी बता चुका हूँ, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, चार राज्यों के साथ सीमा लगती है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, पीडीएफ में आप इसमें खुद से प्रैक्टिस करना। ओके, सात देशों से स्थलीय सीमा लगती है भारत की, आगे ये बात ये आपको समझ में। अच्छा, यहाँ पे इस मैप में मैंने कुछ स्पेशल चीज़ लिखी है, उन्हें अभी बता देता हूँ, और थोड़ी देर बाद में गूगल मैप में भी आपको ये सब दिखाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में थोड़ा सा हिस्सा समुद्र का आता है, थोड़ा सा हिस्सा समुद्र का आता है, इस तरीके से। भारत के इस जगह पे, यहाँ पे श्रीलंका है, इस जगह पे मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ब्लू इंक ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है पम्बन द्वीप, ये अंतिम द्वीप है श्रीलंका और भारत के बीच में। वहाँ से बीच में समुद्र के अंदर डूबा हुआ ब्रिज है, एक पुल है, सेतु, जिसे राम सेतु भी बोल सकते हैं, या उसका आदम ब्रिज, एडम ब्रिज भी बोला जाता है। ओके, किसने बनाया, कब बनाया, कोई अभी फिक्स नहीं है, जो भी है
धर्म के अनुसार से राम जी ने बनवाया था, बाकी कुछ अलग उसके स्रोत माने जा सकते हैं। ओके, इधर की साइड में एक खाड़ी है, खाड़ी में आपको बता चुका हूँ ऐसा जलीय भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो, इधर भी स्थल हो, इधर भी स्थल हो और बीच में क्या हो, जल। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जल ही जल है। ओके, और तीन तरफ इधर से भी घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा हुआ है, तीनों तरफ से जल से घिरा है, तो उसे बोला जाता है मन्नार की खाड़ी। और सेम टू सेम वही कंडीशन इधर की साइड में पाप की खाड़ी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, वो पम्बन द्वीप समझ में आया। उसके बाद में आदम ब्रिज है बीच में, थोड़ी देर मैप में दिखाने वाला हूँ। मन्नार की खाड़ी नीचे वाला ऐसा है और ऊपर वाला है पाक की खाड़ी, और नीचे की साइड में अपना पड़ोसी देश है श्रीलंका, जो कि डायरेक्टली इंडिया से कनेक्ट नहीं है, बीच में क्या आ जाता है, समुद्र। ऐसे ही अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो मालदीप इधर है, थोड़ा सा दूर पड़ता है, छोटा सा देश है। इधर की साइड में अगर बात करें तो इंडोनेशिया देश है अपना, वो भी पड़ोसी देश है, लेकिन समुद्र से टच है, स्थलीय सीमा से वो टच नहीं है। बाकी स्थलीय सीमा से सिर्फ 7 देश जुड़े हुए हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की चलते हैं। अब हम बात करते हैं ये अपना जो तटीय रेखा है उसमें कुछ बिंदु आते हैं निकल के, उनके बारे में। देखो, प्रादेशिक जल सीमा आपने नाम सुना होगा, वो संलग्न क्षेत्र मंडल नाम सुना हो, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं इन तीनों को समझाने वाला हूँ। ठीक है, इनके इंग्लिश बोलेंगे, प्रादेशिक जल सीमा को बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री। ठीक है, संलग्न क्षेत्र को कंटीजियस जोन बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र को बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये अपनी तटीय सीमा से रिलेटेड यूएन के कुछ रूल्स होते हैं इन सब को निर्धारित करने के लिए, कि इतनी दूरी तक देश को क्या क्या अधिकार हैं, उससे अधिक दूरी पर जाने पे किस देश को क्या अधिकार हैं। ठीक है, तो ये सब हैं। अब देखिए, तटीय रेखा के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम तटीय रेखा देख लेते हैं, क्या तटीय रेखा है। देखो, यहाँ से अपना गुजरात वाला हिस्सा से शुरू हो जाती है वैसे होने को तो। ठीक है, इस तरीके से मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये रेखा आप देख रहे होंगे, ये अपनी तटीय रेखा है। ओके, अब इस तटीय रेखा को सीधा खींचते हैं बिल्कुल ही, ऐसा मतलब छोटे मोटे कटे पटे भागों को हटाते हुए बिल्कुल सीधा सा खींचा जाता है, ज़्यादा गहराई में नहीं लेते हैं बट सीधा खींचते हैं, जैसे कि इधर की साइड में पूरी लाइन खींच दी, तो इसे बोल दिया जाता है आधार रेखा। ओके, ये आधार रेखा है, ये आधार रेखा हमने मान ली इस तरीके से आधार रेखा। इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल की दूरी तक, 12 नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल यानी समुद्री मील। अब समुद्री मील जो होता है सामान्य किलोमीटर से थोड़ा सा अलग होता है, सामान्य किलोमीटर से अलग होता है, मैं आपको बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो 12 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी होती है उसे बोला जाता है ए, यानी प्रादेशिक जल सीमा वाला क्षेत्र। ओके, इसमें क्या अधिकार है वो देखते हैं अभी हम। उससे और 12 नॉटिकल माइल जोड़ते जाते हैं तो वो हो जाता है संलग्न क्षेत्र मंडल, यहाँ तक हुआ प्रादेशिक जल सीमा, और उसमें 12 और जोड़ दिया तो वहां तक हुआ संलग्न जल सीमा, हुआ जल क्षेत्र मंडल। उसमें 176 नॉटिकल माइल और जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तो पहला एरिया प्रादेशिक जल सीमा वाला हुआ 12 नॉटिकल माइल तक, अगला जो हुआ संलग्न वाला 12 + 12 यानी 24 नॉटिकल माइल तक, आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक, और अगला वाला जो हुआ अनन्य आर्थिक क्षेत्र वाला एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला, वो 24 और इधर की साइड में 176 जोड़ देंगे तो कुल मिला के 200 हो जाएगा। तो आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक हो जाता है अपना अनन्य आर्थिक क्षेत्र, और उससे आगे जाने पे आता है अपना उच्च सागर, जहाँ पे सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। ओके, नॉटिकल माइल क्या होता है, जिसे समुद्री मील बोला जाता है, नॉटिकल माइल जो होता है उसका मतलब हुआ 1.85 किलोमीटर। ओके, एक नॉटिकल माइल का मतलब 1.85 किलोमीटर, यानी किलोमीटर छोटा है, नॉटिकल माइल जो है वो बड़ा है। पहला देखते हैं प्रादेशिक जल सीमा, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला मैप ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको सारी चीज़ें। ओके, पहला है प्रादेशिक जल सीमा क्या है। ओके, प्रादेशिक जल सीमा तटरेखा से 12 नॉटिकल माइल तक है, यहाँ पे इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को पूर्ण अधिकार है। ओके, सारे अधिकार भारत को है 12 नॉटिकल माइल तक के। ओके, उसके बाद में संलग्न क्षेत्र कंटीजियस जोन, आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल, अभी आपको बताया आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक की दूरी है। ओके, भारत को यहाँ पे राजकोषीय अधिकार प्राप्त हैं, सीमा शुल्क संबंधित अधिकार प्राप्त हैं, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार प्राप्त हैं। तो ये अधिकार प्राप्त हैं अपनी आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक की दूरी तक का। पहला हुआ प्रादेशिक जल सीमा वाला क्षेत्र, दूसरा हुआ संलग्न क्षेत्र मंडल, और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि आधार रेखा से कितने नॉटिकल माइल तक है, 200 नॉटिकल माइल तक है। ओके, यहाँ पे खनिज संपदा, सामरिक जल शक्ति, सागरीय जीवों का सर्वेक्षण एवं दोहन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान की अनुमति मिल जाती है देशों को। ओके, उसके बाद में आता है उच्च सागर, यानी जो ईईजेड है, इकोनॉमिक जोन है, उसके बाद में उच्च सागर का विस्तार है, जहाँ सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं।
समुद्र तटीय कुल मिला के 9 राज्य हैं समुद्र तट की सीमा से लगे हुए, अभी देख लेते हैं। और समुद्र तट से जुड़े हुए 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दमनद्वीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अच्छा, ये जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा, अपना जो भौतिक विभाजन है उसके बाद में अपना राजनीतिक विभाजन आएगा, उसमें मैं आपको ये अपना यूनियन टेरिटरी अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे आपने शायद नाम तो सुने होंगे यूनियन टेरिटरी के, लेकिन उनकी जो लोकेशंस हैं अलग अलग हैं। जैसे कि पांडिचेरी है, ये अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है, तो तब उसमें अच्छे तरीके से देखेंगे। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, ठीक है? वैसे तो अब बताने की यहाँ पे, जैसे कि इस जगह पे अपना अंडमान, थोड़ा सा दूर बता दिया, इस जगह पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इनके बीच में जो है वो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला, ठीक है, चैनल है। ओके, उसके बाद में अगर बात करें 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है। और अपना लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो अपना 9 डिग्री चैनल है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। ओके, आपने नाम सुना होगा, डेल्टा क्या होता है, नहीं सुना है तो आगे आने वाले जो ज्योग्राफिकल विभाजन है उसमें हम बताने वाले हैं, भौतिक विभाजन में डेल्टा को भी शामिल किया है। ओके, सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाले क्षेत्र में है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के मुहानों पर स्थित है, तो वहाँ पे आप देखेंगे सुंदरवन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ओके, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है, कितनी किलोमीटर है, 106 किलोमीटर, बता चुका हूँ। सबसे लंबी तटीय रेखा जो है वो गुजरात की है। ओके, मैप में भी हम थोड़ी देर बाद देख लेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान राज्य है, और सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। ओके, बाकी तो केंद्र शासित प्रदेश भी है छोटे, बट अपने राज्यों की बात करें तो अब सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। पम्बन द्वीप आदम ब्रिज का ही हिस्सा है, इसी द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। गूगल मैप दिखाने वाला हूँ, सिर्फ इसके लिए स्पेशल दिखाने वाला हूँ, बाकी कुछ चीज़ें और दिखा दी जाएंगी, बट इसके लिए मैं स्पेशल दिखाऊंगा गूगल मैप थोड़ी देर में। उसके बाद में तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना हुआ राज्य है, 28वां राज्य बना था, 28 राज्य थे पहले, 29वां राज्य बना था तेलंगाना, 2 जून 2014 को। ओके, उसके बाद में इसमें 10 जिले शामिल हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, और तेलंगाना से अलग जो राज्य बनाए वो एक्चुअली में तेलंगाना जो बनाए आंध्र प्रदेश से अलग होके बनाए। वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी हैदराबाद है, लेकिन आंध्र प्रदेश आगे आने वाले समय पे अपनी राजधानी जो है वो अमरावती बनाने वाला है, और तेलंगाना की साक्षरता जो है 2011 के अनुसार 66.40% है। अच्छा, मैं तेलंगाना और इन दोनों को आपके लिए दिखा देता हूँ एक बार में, इस वाले मैप में आपको क्लियर कराने की कोशिश कर लेता हूँ। ओके, देखो पहले पूरा इस तरीके से एक ही राज्य था, इस तरीके से पूरा एक राज्य था, उसका नाम था आंध्र प्रदेश। यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है हैदराबाद, ठीक है, जो निजाम के अंडर में आता था पहले। ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। ओके, अब वर्तमान में इसके दो भाग हो गए हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया तेलंगाना और नीचे वाला हिस्सा हो गया आंध्र प्रदेश। अभी प्रेजेंट में दोनों की राजधानी हैदराबाद है, ठीक है, दोनों की राजधानी हैदराबाद है, लेकिन आंध्र प्रदेश वाले अपनी नई राजधानी बनाने वाले हैं, उसका नाम है अमरावती। ओके, आगे आने वाले समय पर आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी। आगे चलते हैं हम, ठीक है। जम्मू कश्मीर और दो लद्दाख जो दो नए यूटी बने हैं आपको मैं बता दिया है, बाकी आगे आने वाले समय पर ऐसा बोला गया है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जा सकता है। चीन, नेपाल, बांग्लादेश की सीमा जो है वो 5 राज्यों के साथ में लगती है, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैप के द्वारा बताया मैंने। पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, इनकी सीमा जो भारत के 4 राज्यों के साथ में लगती है। अफगानिस्तान की जम्मू कश्मीर एक अकेले राज्य के साथ सीमा लगती है। जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन से हैं? बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, जो देश जल से भी जुड़े हुए हैं भारत से और स्थल सीमा से भी जुड़े हुए हैं। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा तो लगी हुई है और जल भी डायरेक्टली कनेक्टेड है कराची तक का था। ऐसे ही बांग्लादेश वाला है, स्थलीय सीमा तो लगी हुई है 5 राज्यों के साथ में, जल भी बंगाल खाड़ी वाला कनेक्टेड है। ऐसे ही म्यांमार है जो स्थलीय सीमा कनेक्टेड है ही, उसके बाद में जल भी बंगाल की खाड़ी वाला कनेक्टेड है ही। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य शुरुआत में सबसे बड़ा है राजस्थान, उसके बाद में एमपी, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। पहले एमपी नंबर वन पे होता था, लेकिन एमपी में से छत्तीसगढ़ अलग हो गया है, तो अभी राजस्थान नंबर वन पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है, जिसका क्षेत्रफल जो है वो 3702 किलोमीटर स्क्वायर है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है बांग्लादेश के साथ में लगती है, 4096 किलोमीटर, अभी थोड़ी देर बाद ही मैंने आपको मैप में बताया था। सबसे बड़ा जिला जो है वो कच्छ का, जिसका क्षेत्रफल करीब करीब 45652 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे छोटा जिला जो है वो माहे है, जो पांडिचेरी का हिस्सा है। अपना यूनियन टेरिटरी आएगा तब उसमें हम अच्छे तरीके से बात करेंगे पांडिचेरी पे। ओके,
राज्यों की संख्या 28 है वर्तमान में, हो सकता है तो आगे आने समय पे 29 हो जाएगी जम्मू कश्मीर को अगर पूर्ण राज्य बनता है, बट वर्तमान में आगे 2-3 साल तक तो कोई चांस नहीं है जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने के, तो 28 वर्तमान में राज्य है। ओके, केंद्र शासित प्रदेश 9 UTs हैं। ओके, अभी हम जो तीसरा लेक्चर होगा उसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अच्छे तरीके से समझेंगे, उसकी राजधानियाँ, उसके हाई कोर्ट कहाँ पे पड़ते हैं, कब कब उनकी स्थापना हुई, ये सब हम देखेंगे उसमें। सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी लद्दाख है जिसका क्षेत्रफल है 59,140 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद में जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल है 42,241 किलोमीटर स्क्वायर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल है 8,250 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है जिसका क्षेत्रफल है 32 किलोमीटर स्क्वायर। देश में जिलों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 640 थी, वर्तमान में बहुत सारे राज्यों ने अपने जिलों की संख्या बढ़ा दी है, तो करीब करीब 2019 में 725 जिले हैं, बाकी 2021 में जब जनगणना आएगी तब डाटा जो अपडेट होंगे तभी ज़्यादा माना जाएगा, बाकी अभी तक तो 640 ही अपडेट में माना जाता है। ओके, विश्व के क्षेत्रफल का हिस्सा है कितना हिस्सा है भारत के पास में, 2.42%, ये आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, विश्व की जनसंख्या का कितना हिस्सा है, 17.5%, ज़्यादातर जनसंख्या भारत और चीन में ही, दो ही देशों में रहती है। कुल मिला के भारत की जनसंख्या 140 करोड़ होने को है। ठीक है, तो विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो है वो भारत में है, 9 अरब के आसपास पूरे विश्व की जनसंख्या है। ओके, अब देखते हैं कि सीमा जो लगती है वो कौन कौन से देशों के साथ किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, तीन रेखाएं नॉर्मली चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान, इनके नाम रखे हुए हैं वो देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा, डोरंड रेखा और रेड क्लिफ रेखा, ये तीनों ही कोई अंग्रेज अधिकारी थे उनके नाम पे ही हैं। मैकमोहन रेखा जो है वो 1914 में शिमला समझौता हुआ था भारत और चीन, भारत और तिब्बत के बीच में हुआ था एक्चुअली में, जब तिब्बत अपने आप में एक देश था, भारत और तिब्बत के बीच में शिमला समझौता हुआ था 1914 में, तो भारत और चीन के बीच की, क्योंकि चीन अभी तिब्बत के, तिब्बत जो है वो अभी चीन के हिस्से में आ गया है, तो भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसे बोला जाता है मैकमोहन रेखा। ओके, डूरंड रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है वो डूरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जो 1896 में निर्धारित की गई थी। रेड क्लिफ रेखा, भारत का जब विभाजन हो रहा था 1947 में तो सर रेड क्लिफ को काम सौंपा गया था, पंजाब को डिवाइड करो, बांग्लादेश को डिवाइड करो, राजस्थान की सीमा जितनी भी लग रही है उस हिसाब से, क्योंकि राजस्थान को डिवाइड नहीं करना था क्योंकि राजस्थान जो थे वो रजवाड़ों के पास में थे, तो रजवाड़ों की सीमा पहले से ही निर्धारित थी। ठीक है, तो पंजाब को डिवाइड किया था, जम्मू कश्मीर अपने आप में एक अलग रियासत थी, तो पंजाब को डिवाइड किया, उधर की साइड में बंगाल को डिवाइड किया, तो वो काम किसको दिया गया, रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ को। तो 1947 में सर रेड क्लिफ के द्वारा भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच में जो सीमा बनाई गई है वो रेड क्लिफ, बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था, भारत ने आज़ाद करवाया था। ओके, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा है वो भारत के त्रिवेंद्रम यानी केरल में जो स्थित है वहाँ से होकर के गुजरती है। अगर आपने सुना हो थुम्बा नाम से एक जो अंतरिक्ष में यान भेजे जाते हैं, थुम्बा एक अपना स्टेशन है वहाँ से यान भेजे जाते हैं, तो वो अपना यहीं पे चुंबकीय विषुवत रेखा पर ही स्थित है। ओके, एक द्वीप है छोटा सा, वहाँ से अपने अंतरिक्ष में भी अपने प्रक्षेपण किए जाते हैं। ओके, अभी हम थोड़ी देर बाद में लास्ट में हम गूगल मैप विजिट करेंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन का है। ठीक है, अपना ज्योग्राफिकल डिवीजन आने वाला है उसमें एक एक चीज़ मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, लद्दाख का पठार है। ओके, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, ठीक है आपको बता चुका हूँ, पामीर का पठार है। और विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार है। सबसे बड़ा पठार कौन सा है भारत का, तो वो है दक्कन का पठार है। विश्व की अलग बात है, भारत की अलग बात है। ओके, सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की, गंगा नदी है, जिसकी लंबाई आपको याद करनी है 2525 किलोमीटर, याद करने में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 2525 दो बार बोल देना, गंगा नदी। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। ओके, उसके बाद में कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सामान्य जानकारी में शामिल करने चाहिए वो शुरुआत में आपके लिए जोड़ दिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी आपको PDF जब डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें पुरानी ईयर्स के क्वेश्चन है 300 के आसपास में, वहाँ से आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। ज़्यादातर एस्पेक्ट्स मैं इस पूरे क्रैश कोर्स में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है। ओके, अपनी जब नदी आएंगी तब मैं आपको गूगल मैप के थ्रू उस माजुली द्वीप पे ले जाऊंगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच में असम में कहाँ पे स्थित है। ओके, बिहार का शोक, अच्छा कुछ देशों में कुछ राज्यों में क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है, बाढ़ जो आती है कुछ नदियों के कारण आती है,
तो वो नदियां उनके लिए शोक लेकर के आती हैं, ठीक है, वो दुखदायी होती हैं एक तरीके से। तो कुछ राज्यों में हर साल बाढ़ ही आती रहती है, जैसे बिहार में, असम में, उसके अलावा उड़ीसा वाले क्षेत्र में भी कुछ हिस्से में आ जाती है। तो उन नदियों को उनका शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी नदी। कोसी नदी के कारण बिहार में बाढ़ आती है। असम का शोक बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी के कारण असम में बाढ़ आती है। पश्चिम बंगाल का शोक बोला जाता है दामोदर नदी को। ओके, उसके बाद में हम याद करें लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, ऐसा जिला जिसे झीलों का जिला बोला जाता है वो है नैनीताल, जो उत्तराखंड में स्थित है। ओनली फ्लोटिंग लेक इन इंडिया, ऐसी झील जो अपने आप में तैरती रहती है, ठीक है, फुमड़ीज नाम से फेमस है। तो अभी तो मैं नहीं दिखा रहा अपना ज्योग्राफिकल, और वो जो झीलें आएंगी तब मैं आपको इसे दिखाऊंगा। लोकटक झील है अपनी मणिपुर के अंदर, मैं आपको गूगल मैप के थ्रू भी दिखाऊंगा और एक छोटी मोटी वीडियो भी उसमें डालूंगा कि कैसे वो झील तैरती रहती है। ओके, उसके बाद में प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल भित्ति से निर्मित है। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो हिमालय का ही हिस्सा है। अपना ज्योग्राफिकल डिवीजन आएगा तब मैं उसको बताऊंगा कि किस किस तरीके से ये हिमालय का हिस्सा है। और प्रबाल द्वीप से जो निर्मित होते हैं, जो सहवाल होते हैं एक के ऊपर जब खत्म होकर चढ़ते जाते हैं तो वहां पे एक द्वीप बन जाता है। तभी तो मैंने बताया था सबसे छोटा वो एरिया है इसका 32 किलोमीटर स्क्वायर वाला। तो लक्षद्वीप जो है वो प्रबाल भित्ति के ऊपर निर्मित एक द्वीप है। ओके, ऐसे ही अपना सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, वो भी प्रबाल भित्ति निर्मित ही द्वीप है। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, नाम मैं बता चुका हूँ, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। भारत में करीब 6,50,000 गांव हैं, ये सन 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। वर्तमान में हो सकता है 7 लाख के आसपास गांव हो गए हों, छोटे छोटे कस्बा ढाणियाँ ऐसे बन गए हों, तो अभी 7 लाख के आसपास हो गए हों, लेकिन 2011 की जो जनगणना थी उसमें 6,50,000 जो गांव थे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे फिर से देखते हैं। देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? अपना राजस्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अपना यूपी है। ओके, अगर यहाँ पे कुछ क्षेत्रों की बात करें तो इस जगह पे, यहाँ पे एक सेकंड में अपना ये यूज कर लेता हूँ, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसे बोला जाता है कच्छ का रण। यहाँ पे बिल्कुल ही दलदली भूमि है, नमक वाला क्षेत्र भी है यहाँ पे, बट कच्छ का रण इसे बोला जाता है। यहाँ पे इस जगह पे एक खाड़ी है, खाड़ी का मतलब होता है तीनों तरफ से जो जल से घिरा हुआ हिस्सा होता है ये वाला हिस्सा, तो इसे बोला जाता है कच्छ की खाड़ी। ये आपको आ गया होगा समझ में। ओके, वैसे अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक इस जगह पे एक बिंदु है, उस बिंदु का नाम है सर क्रीक। ओके, इस जगह पे सर क्रीक वाला, क्योंकि यहाँ पे दलदली भूमि है, ठीक है, निवास कोई करता नहीं है यहाँ पे। गूगल मैप में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। तो उस सर क्रीक पे विवाद चलता था भारत और पाकिस्तान के बीच में, बट राइट नाउ वो सारा का सारा हिस्सा सर क्रीक वाला वो भारत के हिस्से में ही ज्यादातर आ गया है, तो वो विवाद सॉल्व हो चुका है। ओके, इधर की साइड में गुजरात राज्य है, सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा गुजरात राज्य की है, यहाँ से शुरू होती है और इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ तक जाती है, तो सर्वाधिक तटीय रेखा गुजरात राज्य की है। बीच में यहाँ पे जो खाड़ी आप देख रहे हैं इस तरीके से जल जो है उसे बोला जाता है खंबात की खाड़ी, बे ऑफ कैम्बे। ओके, अगर हम तटीय तटों के नाम की बात करें तो यहाँ पे तटों के नाम देख लेते हैं। बाकी उससे पहले एक देख लीजिए, सबसे जो कम क्षेत्रफल वाला जो राज्य है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला, गोवा, जिसकी राजधानी पणजी है। ओके, चलो वहां से छोड़ते हैं, अब तटों के नाम याद करते हैं, कोशिश करते हैं याद करने की। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से गुजरात के इस जगह से शुरू होता है और पूरे महाराष्ट्र में चलता हुआ और गोवा के पास तक एक तट है जिसका नाम है कोंकण तट, ठीक है। तो पहला शुरुआत इधर से हुई, कोंकण तट, उसके बाद में गोवा से लेके और अपना कर्नाटक के मैंगलोर तक जो है वो कन्नड़ तट बोला जाता है। ओके, उसके बाद में मैंगलोर से और केरल को पूरा पार करते हुए कन्याकुमारी तक जो है मालाबार तट है। कन्याकुमारी से अपना पूरा तमिलनाडु, तमिलनाडु से आगे निकलते हुए आधा अपना आंध्र प्रदेश आ जाता है, वहां तक कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश के आधे हिस्से से लेकर के और करीब करीब जहाँ आंध्र प्रदेश का समाप्ति होती है तटीय रेखा की, वहां तक गोलकोंडा तट और उसके बाद में उत्तरी सरकाट तट। तो ये इंपॉर्टेंट तट मैंने आपको बताए, एक एक करके आप दोबारा से देखिए, कोंकण तट, उसके बाद में कन्नड़ तट, मालाबार तट, उसके बाद में अपना कोरोमंडल तट, उसके बाद में गोलकुंडा और उत्तरी सरकार। ओके, ये इधर की साइड में मैंने आपको बताई मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे पाक की खाड़ी, बीच में यहाँ पे पम्बन द्वीप और बीच में आदमब्रिज। ओके, इधर की साइड में चलते हैं, सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश के साथ लगी हुई है? बांग्लादेश की। न्यूनतम जनसंख्या किस देश, किस राज्य की है भारत के? तो वो सिक्किम राज्य है। ओके, जो कि अपना नेपाल, भूटान और चीन से जुड़ा हुआ है, तीनों देशों से कनेक्ट है। ओके, इधर की साइड में
सेवन सिस्टर्स राज्य हैं और उनमें अभी सिक्किम को भी शामिल कर लिया जाता है, तो आठ सिस्टर बोल सकते हैं। कौन कौन से राज्य हैं एक बार यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आगे जब अपने राज्य आएंगे तब उसमें डिटेल से उनकी राजधानियाँ और उनके हाईकोर्ट कौन कौन से पड़ते हैं देखेंगे। सबसे ऊपर अपना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या इधर की साइड में नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, ये इधर की साइड में। ये अपना त्रिपुरा जो कि तीन चारों तरफ से अपना बांग्लादेश से घिरा हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश यहाँ तक है, इधर भी बांग्लादेश है, यहाँ भी बांग्लादेश है, यहाँ भी बांग्लादेश है, ओके। उसके बाद में अपना ये असम वाला राज्य जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखता है, यहाँ पे मेघालय। कुल मिला के ये हो गए सात, एक दो तीन चार पाँच छः और सात। और सिक्किम जो है वो नया राज्य जोड़ा भारत के साथ में, तो ये भी वो सेवन सिस्टर में शामिल कर लिया जाता है। तो कुल मिला के आठ राज्य हैं जो पूर्वोत्तर राज्य कहलाते हैं, पूर्वोत्तर राज्य, ओके, पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है। ये अपना मैप क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, भारत का भौगोलिक विभाजन। बट वहाँ चलने से पहले हम गूगल मैप पे चलते हैं और गूगल मैप हम देख लेते हैं। ओके, अभी हम गूगल मैप में आ गए हैं, ठीक है। ये अपना आपको इंडिया दिख रहा होगा, सबसे प्यारा इंडिया सारे जहाँ से अच्छा। और मैंने बताया कि जैसे जैसे आप ज्योग्राफी देखते जाओगे ना, ये पूरा लेक्चर सीरीज कंप्लीट कर लोगे तो आपको और प्यार आ जाएगा। आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझोगे कि आप इंडिया में पैदा हुए। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ इस मामले में, ठीक है, क्योंकि जिस देश में आप पैदा हुए हैं ना उसको भगवान ने बड़े प्यार से बनाया है, सारी सुविधाएँ दी हैं, बस हमने कुछ गलतियाँ कर दी उनके कारण हम थोड़ा सा गड़बड़ हो गए हैं, बाकी भगवान ने इतने अच्छे तरीके से बनाया है जो सुविधाएं भारत को दिए हैं, पूरे विश्व में किसी भी देश को नहीं दिए हैं। ऐसा कहीं नहीं होता पूरे विश्व में, बहुत कोई एक आध दो ही देश रेयर केस मिल जाए जहाँ पे सर्दी बरसात और गर्मियाँ इस तरीके से चार मौसम निकल के आते हों, ऐसा कहीं भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये गूगल मैप है, इस गूगल मैप में आपको इंडिया दिख ही रहा होगा, नीला नीला अपना जयपुर दिखा रहा है, शायद मेरी लोकेशन दिखा रहा है, उसे छोड़ दें। अभी हम सेटेलाइट व्यू पे आ जाते हैं, ओके। ये सेटेलाइट व्यू मैंने चेंज कर दिया है ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको श्रीलंका वाले क्षेत्र की तरफ लेके चलूंगा, बाकी आप इसमें देख रहे हो तो ऊपर की साइड में हिमालय देख रहा होगा, बट ये सारी चीज़ें हम अपना ज्योग्राफिकल कंडीशन आने वाली है उसमें देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको श्रीलंका की तरफ ले जाता हूँ और वहाँ पे पम्बन द्वीप और अपना एडम ब्रिज, ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ जिसे राम सेतु बोला जाता है, ओके। देखिए पहले कन्याकुमारी देख लेते हैं, ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, आप जो देख रहे हैं मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, यहाँ पे शहर बसा हुआ है पूरा का पूरा, और पास में ही वहाँ पे विवेकानंद का रॉक मेमोरियल्स हैं, ये समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। एक मैप इमेज दिखा देता हूँ इसकी, अगर इमेज है अवेलेबल तो, ये देखिए इमेज आप देख सकते हैं, ये अपना विवेकानंद रॉक मेमोरियल्स है, ओके। चलो वहाँ से छोड़ते हैं, अभी हम चलते हैं अपना श्रीलंका और भारत के बीच में, इधर की साइड में तमिलनाडु वाले हिस्से से निकलते हुए, ओके। ये अपना श्रीलंका और भारत के बीच में इस तरीके से श्रीलंका है, ओके। यहाँ बीच में आप अगर देखें तो इस जगह पे, यहाँ पे आपको एक रामेश्वरम नाम से एक द्वीप दिख रहा होगा, क्योंकि बीच में पानी आ जाता है थोड़े से हिस्से पे, थोड़े से हिस्से पानी आ रहा है बीच में, ओके। ये मंडपम है, उसके बाद में थोड़े से हिस्से पानी आ जाता है, बट रेल लाइन कनेक्टेड है यहाँ पे, ओके, ठीक है। पम्बन बीच भी है यहाँ पे, तो पम्बन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप इसे बोला जाता है। उसके बाद में ये पूरा द्वीप यहाँ से डिस्कनेक्ट होता है और इस जगह पे ये एडम ब्रिज है, एक्चुअली में जिसे राम सेतु बोला जाता है, वो आज के समय पे अभी भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रिज है। कब बना, कैसे बना, इसकी अभी पूरी पुष्टि नहीं है, बट खोजें चलती रहती हैं, आगे आने वाले समय पर पता चल जाएगा। बाकी हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ये भगवान राम के द्वारा बनाया गया था, ओके। तो ये एडम ब्रिज है, बीच में आप देख रहे हैं ये पानी के अंदर है, थोड़ा सा है, दो तीन फीट इतना ही अंदर है, उससे ऊपर से आप सैटेलाइट से दिख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे एडम ब्रिज दिख रहा होगा, ठीक है। एक दो इमेज दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे एक दो ये अपना मरीन लाइफ वाला फोटोज दिखाए हुए हैं शायद, आई थिंक। तो ये समुद्र वाला हिस्सा है, ये आप देख रहे हैं पानी के अंदर से राम सेतु, ये कुछ इमेज हैं, और बीच बीच में यहाँ से निकला भी हुआ है ये हिस्सा, देख लीजिए एक दो फोटोज आप देख लीजिए इस तरीके से, ये राम सेतु इस तरीके से बीच में इमेज निकले हुए हैं, एडम ब्रिज का कुछ हिस्सा ऊपर निकला हुआ है, ओके। तो ये अपना मैंने आपको एडम ब्रिज आपको दिखा दिया, बीच बीच में निकला हुआ है, ओके। नीचे की साइड में जाने पे अपना श्रीलंका है, श्रीलंका यहाँ पे जुड़ जाता है। और नीचे इधर की खाड़ी की बात करें तो नीचे वाली खाड़ी का नाम मैंने आपको बताया था गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पे लिखा हुई है गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी, और ऊपर वाली का नाम बताया था मैंने पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि और पाक खाड़ी बताया था, ओके। अब हम चलते हैं गुजरात वाली साइड में, गुजरात वाली साइड में भी मैं आपको वो हिस्सा दिखाने वाला था पाकिस्तान वाला। देखिए पाकिस्तान के साथ जो मुद्दा चल रहा है वो इस वाले पॉइंट पे चल रहा है, सर क्रीक पे, ठीक है। ज्यादातर सर क्रीक का हिस्सा अभी इंडिया के हिस्से में, और आप देख रहे होंगे यहाँ दलदली भूमि है, टोटली दलदली भूमि है, यहाँ पे कोई निवास नहीं करता है, इस पे विवाद था, ज्यादातर हिस्सा सुलझ गया है, और बाकी
ये जो है वो अपना हिस्सा जो आ गया है वो इंडिया के हिस्से में आ गया। ओके, एंड यहाँ पे अगर ये खाड़ी देखें तो गल्फ ऑफ कच्छ बोला जाता है इसे, कच्छ की खाड़ी बोला जाता है। यहाँ पे नदियां आके मिल रही हैं, बीच में यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं रन ऑफ कच्छ लेक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ही एक डेजर्ट टाइप में और दलदली भूमि है पूरा का पूरा। यहाँ पे जानवर निवास करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। वहां पे कैमल पाए जाते हैं, इम्पोर्टेंट, जो पानी में तैरने वाले कैमल पाए जाते हैं रन ऑफ कच्छ में, और उसके अलावा यहाँ के गधे प्रसिद्ध हैं। ओके, और उसके बाद में हम चलते हैं नीचे की साइड में गुजरात का कुछ हिस्सा। ये वाला जो आप देख रहे हैं इसे बोला जाता है अपना जो खंबात की खाड़ी, बे ऑफ कैम्बे। तो ये खंबात की खाड़ी है नीचे की साइड में, बे ऑफ कैम्बे। ओके, अब यहाँ से चलते हुए हम थोड़ा सा गूगल मैप में ही मैं आपको डेल्टा दिखाने वाला था। ये जो आप देख रहे हैं ना सुंदरवन डेल्टा, देखिए किस तरीके से नदियों का पानी जो है वो समुद्र में मिल रहा है, तो किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग संरचनाएं बन रही हैं नदी का पानी जब मिल रहा है, ठीक है। तो ये सुंदरवन नेशनल पार्क, ये जो हिस्सा है ये इंडिया के अंदर आता है, बाकी सुंदरवन जो है वो बांग्लादेश में भी काफी आता है। तो यहाँ पे एक अलग ही कंडीशन बन जाती है, बहुत ही अलग स्पेशल कंडीशन बन जाती है, बहुत रिच मिनरल्स, बहुत रिच यहाँ पे वहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है इस जगह से पश्चिम बंगाल से जुड़ते हुए अपने बांग्लादेश के चिट्टगोंग तक जो है वो डेल्टा आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे नदी अपने पानी को समुद्र के अंदर छोड़ती है तो अलग अलग रेखाओं में विभाजित हो जाती है, उसे बोला जाता है डेल्टा, ठीक है। ये नदियां छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गई हैं, आपने देख रहे होंगे। अच्छा, इनमें से कुछ इमेज दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर कुछ इमेज मिल जाती हैं गूगल मैप पे तो एक दो इमेज आपके लिए दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ इमेज देखिए, ये इमेज आप देख रहे हैं, तो ये वाली जो इमेज है, यस राइट नाउ, इस तरीके की इमेज आप देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी रिच जो वनस्पति पाई जाती है और बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। ओके, तो ये सुंदरवन वाला हिस्सा है। ओके, एंड उसके बाद में हम बात करें तो म्यांमार वाला हिस्सा इधर की साइड में है, म्यांमार से अपने भारत के राज्य लगे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चार राज्य लगे हुए हैं। भूटान की अगर बात करें तो भूटान से सिक्किम लगा हुआ है, एंड उसके बाद में पश्चिम बंगाल, और उसके बाद में असम और अपना अरुणाचल प्रदेश। एंड एक बार मैं आपको ऊपर वाला हिस्सा भी आपके लिए दिखा देता हूँ, जो इसमें शायद पॉइंट तो नहीं किया होगा बट आपके लिए ऊपर तक दिखा देता हूँ, श्रीनगर कश्मीर घाटी और ऊपर की साइड में गिलगित बाल्टिस्तान से ऊपर करते हुए वहाँ पे जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कॉल पॉइंट जो है वो आई थिंक मुझे सर्च करना पड़ेगा तब जाके वो निकल के आएगा, ऊपर की साइड में गिलगित और बाल्टिस्तान से ऊपर है। तो ये मतलब एक तरीके से पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे क्लियरली नहीं दिखेगा, आई थिंक क्लियरली नहीं दिखेगा, बट K2 देख लीजिए। ये K2 जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अपनी ज्योग्राफिकल वो आने वाला है, तब मैं उसमें दोबारा से दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपको गूगल मैप एक इंट्रोडक्शन के रूप में दिखा दिया है, जब ज्योग्राफिकल कंडीशन जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके बाद में मैं आपको इस जो गूगल मैप को और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे गूगल मैप से निकलते हुए इंडिया कैसे बना ये आपके लिए बता देता हूँ, और उसके बाद में हम इंडिया का ज्योग्राफिकल डिवीजन पे चलते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा वो लेक्चर, बट वो अगर आपकी समझ में आ जाएगा, मैंने उसमें बहुत सारे इमेज मैप 3D मैप यूज किए हैं, 3D इमेज यूज की गई हैं, और गूगल मैप में तो आपको लेके ही आऊँगा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा अपना इंडियन ज्योग्राफी एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तो उसे अच्छे तरीके से समझना, अभी इंडिया कैसे बना ये आपके लिए मैं समझा देता हूँ। इंडिया का भौगोलिक निर्माण, ये छोटा सा एक टॉपिक है, बाकी इसे पूरे डिटेल में समझेंगे तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा, बट क्रैश कोर्स के हिसाब से समझते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था शुरुआत में पूरी पृथ्वी पे एक ही महाद्वीप था जिसे पेंजिया नाम दिया जाता था। ये जैसे अपनी पृथ्वी है, गोल पृथ्वी मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, पृथ्वी है, और ये इसका नाम था पेंजिया। पेंजिया टूट करके दो भागों में बट गया, ये इस तरीके से बीच में से टूट गया, ऊपर अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। अपना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो हिस्सा था वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। यहाँ से टूटकर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने इस साइड में चलना शुरू किया। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया अपने आप में अलग होकर इधर चला गया, और इंडिया वाला जो इंडियन प्लेट थी वो टकराई यूरेशियन प्लेट से। ओके, तो ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर क्या इसकी व्याख्या की जाती है भारत के निर्माण की। बड़े अच्छे तरीके से भारत का निर्माण हुआ है, बहुत लंबे समय में निर्माण हुआ है। पूर्व में भारत जो था, इंडियन प्लेट जो थी वो अपनी गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी। अच्छा, प्लेट टेक्टोनिक जो है वो थोड़ा बहुत पहले समझा चुका हूँ, बाकी अपना फिजिकल ज्योग्राफी का फुल जो लेक्चर सीरीज आएगी जिसमें करीब करीब 40 लेक्चर रहेंगे डेढ़ डेढ़ घंटे के, तो उसमें अच्छे तरीके से एक लेक्चर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के लिए रहेगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो यूरेशियन प्लेट की तरफ चलना शुरू किया। बाद में इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हो गई, ऑस्ट्रेलियन दूसरी साइड में चले गए और इंडियन ऊपर की साइड में यूरेशिया की साइड में आने लग गई। ओके, करीब 5 करोड़ वर्ष
इंडियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट से टक्कर मारी, ठीक है। तो ऊपर की साइड में यूरेशियन प्लेट था, आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत। इस जगह पे जैसे यूरेशियन प्लेट है, ओके, यहाँ पे अफ्रीका के पास वाला हिस्सा या गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है वहां पे इंडिया था, इंडिया ने यहाँ से चलना शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया भी इससे जुड़ा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने इस साइड में चलना शुरू किया, ओके, इंडिया ने चलना शुरू किया, धीरे धीरे ऊपर की साइड में आता गया और यूरेशियन प्लेट से इंडिया टकराया इस तरीके से। और उसके साथ साथ में यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ, बीच में कुछ जगह पे जो ज्वालामुखी वगैरह थे उनके कारण वहां पे बीच में प्रायद्वीप का निर्माण हो चुका था, धीरे धीरे मैदान का निर्माण हुआ, तो ये अपना इंडिया बनने की प्रोसेस है, ओके। इंडिया इस तरीके से चल रहा है, इंडियन लैंडमार्क, साथ में ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है। 71 मिलियन वर्ष पूर्व यानी कुल मिला के कितना हुआ, 7 करोड़ साल पहले इंडिया यहाँ पे था, ओके। धीरे धीरे आगे बढ़ा इंडिया तो 5 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पे आ गया, उसके बाद में 3.5 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पे आ गया और 1 करोड़ वर्ष पूर्व इंडिया जो है वो यूरेशिया में जाके अंदर पहुंच गया, ओके। तो इस तरीके से यहाँ ऊपर हिमालय का निर्माण होगा, बीच में प्रायद्वीप बन जाएंगे एंड बीच में उसके बाद में अपना मैदान बनने वाले हैं, जो अपने अगला जो लेक्चर आ रहा है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी उसमें समझाने वाला हूँ, ठीक है। हिमालय का निर्माण हुआ, तिब्बत पठार का निर्माण हुआ, धीरे धीरे उत्तर मैदान का निर्माण हुआ, तो ये इंडिया का भौगोलिक निर्माण हुआ है जो काफी लंबे समय में शुरू हुआ है, ओके। तो ये अपना इंडिया निर्माण शुरू हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। बीच में आपके लिए मैंने ब्लैंक मैप दिए, पीडीएफ डाउनलोड करके उनको अच्छे तरीके से कवर कर लेना, ब्लैंक मैप को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। मैंने बोला हर जगह पे मैंने प्रैक्टिस के लिए ब्लैंक मैप दिए हुए हैं, तो प्रैक्टिस करना जितना हो सके, वो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी ज्योग्राफी क्लियर होगी। रटना कुछ भी मत, प्रैक्टिस करते रहना, ये 9-10 घंटे का जो क्रैश कोर्स है इसे अच्छे तरीके से देख लेना, एक बार में समझ नहीं आए तो 2 बार देख लेना, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना, आपका 20 घंटे में इंडियन ज्योग्राफी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अगर 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो आप कुछ भी नहीं भूलने वाले, ओके। अब हम नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट पॉइंट जो है, पार्ट जो है अपना इंडिया का भौतिक विभाजन की तरफ चलते हैं।